ग्रेट टो एक्सटेंशन यानी कि पैर के अंगूठे को पकड़ के आपने पूरा स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को आपने 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है और 10 रेपिटेशन करने हैं दोनों साइड पे। इससे जो आपको जो नीचे वाला फेशिया है उसको स्ट्रेच होने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पूरे पैर के पंजे को आपने ऊपर खींच के रखना है और वापस नीचे खींच के रखना है, जैसे कि ग्रेट टो को किया था बाकी टोज को भी आपने खींच के रखना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 रिपीटेशन ही दोबारा करने हैं। ऐसा करने से भी आपका फेशियल स्ट्रेच होगा, जो पैर में पेन रहता है उस स्ट्रेचिंग से धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज है, आपने एक बॉल, कोई भी बॉल, टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल को, या अगर आपको बॉल नहीं मिलती, पानी की बोतल में आप बर्फ़ जमा लीजिए, उस बोतल को, बॉल को, गोल्फ बॉल को, व्हाटएवर बॉल को आपने रोल करना है पैर के नीचे। जैसे जैसे आप रोल करेंगे प्रेशर इतना हो कि आपको पेन ना हो, लेकिन इतना कम भी ना हो कि आपको पता ना लगे, अपने आप से प्रेशर एडजस्ट करके उसको प्रेशर डाल के बैठ के उसको रोल करना है। ये एक्सरसाइज आपने 3 मिनट के लिए करनी है, इससे ही आपका काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। चौथा एक्चुअली स्ट्रेच, यानी कि आपने वॉल के साथ खड़े होकर अपनी एडी आगे झुकना है और पीछे वाली एडी को स्ट्रेच करना है, आपका जो टेंडन है जिसको एक्चुअली टेंडन बोलते हैं वो स्ट्रेच होना चाहिए। इतना स्ट्रेच हो गया आपको पेन होने तक, लिमिट तक आपको वो स्ट्रेच करके रखना है, 10 सेकंड होल्ड करना है और ऐसे ही दोनों साइड पे आपने 10-10 रेपिटेशन करने हैं। तीसरा, आपने अल्टरनेट खड़े होना है एडी के ऊपर और पंजे के ऊपर, खड़े होने वाली एक्सरसाइज करनी है। चौथी, आपने मार्बल यानी कि कुछ भी बंटे या कुछ भी पत्थर आप छोटे रखेंगे, उस पत्थर को पैर से उठा के आपने डब्बे में डालना है। ऐसे आपने 10 पत्थर रखने हैं और दोनों पैरों से ऑल्टरनेट डालने हैं आपने। तीसरा, आपने चद्दर को आपने रखना है, चद्दर को पैर को इकट्ठे करने की कोशिश करनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 सेकंड के लिए 10 रेपिटेशन करने हैं। उसके बाद आपने टोस प्लेइंग, टोस प्लेइंग का मतलब होता है कि टोस को आपने सीधा रखा है, उसको खोलने की एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर जो छोटे मसल्स हैं पैर के, वो उसके अंदर पावर आती है, स्ट्रेंथन होते हैं, तो ये मसल्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको चलने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, फुट की पोजीशन के लिए ये मसल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये टोस प्लेइंग की एक्सरसाइज 10 सेकंड रोकना है, दोनों में टाइट करके रखना है और 10 बार करना है। और चौथा और लास्ट में आप सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, आप सैंड वॉकिंग, बेयर फुट वॉकिंग कर सकते हैं, जो भी अपने आप में भी एक एक्सरसाइज है। इसकी स्पीड, एंड्योरेंस, केडेंस यानी कि कितना आप फुट के डिस्टेंस होगा, ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं धीरे धीरे, जिसमें पेन ना हो। थैंक यू दोस्तों।